हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंस्ट्रक्टर अनुजुनास्ट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं स्पोर्ट्स इंजरी से। बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम में, बट मैं यहां पर आपको दो ऐसी इंजरी के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ जो कि आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम में वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो इंजरी हैं आपकी थाई के अंदर, कि थाई में टू टाइप्स की जो इंजरी हैं वो किस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम, वन डे एग्जाम पूछी जाती है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, आपके सामने है हैमस्ट्रिंग इंजरी। आपने सब लोगों ने नाम सुना होगा हैमस्ट्रिंग इंजरी, हैमस्ट्रिंग पुल हो गई, हैमस्ट्रिंग क्रैम्प हो गई, हैमस्ट्रिंग खिंच गई। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट वर्ड से आप जो है खेल के क्षेत्र में इस इंजरी को आप यूज करते हैं, उसका नाम पकड़ते हैं। तो जानते हैं हैमस्ट्रिंग क्या है और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन क्या है, फिर हैमस्ट्रिंग मसल क्या है, इसका फंक्शन क्या है और किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं थ्री मसल्स दी बैक ऑफ योर लेग। मैं बात करूं आपकी जो थाई होती है, आपकी जो थाई होती है, थाई का एक फ्रंट वाला पार्ट और एक बैक वाला पार्ट। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बैक वाला जो पार्ट है आपकी थाई, मीन्स आपकी जो जांग है उसके पीछे की जो मांसपेशी जो आपको दिखती है, आप उसको फील कर सकते हैं कि हैमस्ट्रिंग मसल है। इसको हम बोलते हैं हैमस्ट्रिंग मसल। अब हैमस्ट्रिंग जो है आपकी तीन मांसपेशियों से, तीन मसल से तैयार होती है, जानते हैं फ्रॉम योर थाई। आपके पीछे वाली जो मांसपेशी है हम उसको हैमस्ट्रिंग के नाम से जानते हैं। उसके अंदर जो तीन मांसपेशी आती है, तीन मसल जो आती है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है हैमस्ट्रिंग जो मसल जो तैयार होती है, ग्रुप तैयार होता है, वो कितनी मांसपेशियों से होता है, कितनी मसल से होता है। तो थ्री मसल से जिससे तैयार होता है हैमस्ट्रिंग। एक है फर्स्ट जिसको हम बोलते हैं बाइसेप्स फेमोरिस, फर्स्ट। सेकंड है हमारा सेमी टेंडनस, सेकंड। और थर्ड है हमारा सेमी मेम्ब्रेनस। ये हमारी थ्री मसल हैं। जब इन थ्री मसल्स को जब मैं ऐड कर देता हूँ, ग्रुप बना देता हूँ, तो मेरा बन जाता है हैमस्ट्रिंग। अभी हम बात कर रहे हैं सिर्फ हैमस्ट्रिंग मसल पर, उसके बाद आएंगे स्ट्रेन क्या होता है। ये तीनों मांसपेशियों में कभी भी जब कोई भी खिंचाव आता है, विदाउट वार्म अप के कोई भी एक्टिविटी करते हैं, पुल हो जाती है, समान समान भाषाओं में हम जो है इसे पुकारते हैं, नाम लेते हैं। स्ट्रेन मीन्स होता है हैमस्ट्रिंग जब खिंच जाती है, या कोई भी मसल है, कोई भी मसल उसकी रेंज ऑफ मोशन की मैं बात करूं, उससे ज़्यादा कोई भी अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो आपकी मसल क्रैम, पुल, खिंच कुछ भी सकती है। अब बात करते हैं हैमस्ट्रिंग मसल्स के बारे में। हेल्प यू बेंड योर नी। जब आप अपने नी को फोल्ड करते हैं, जब आप अपने घुटने को फोल्ड करते हैं, मोड़ते हैं, इसको हम बोलते हैं फ्लेक्सन मूवमेंट। जब आप फ्लेक्सन मूवमेंट करते हैं आप अपने घुटने में, नी के अंदर, तो उस मूवमेंट को कौन सी मसल कराती है, ये क्वेश्चन बनता है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। तो फ्लेक्सन मूवमेंट जो नी के अंदर होता है उसको कराती है हैमस्ट्रिंग मसल। हैमस्ट्रिंग मसल्स आपको पता है कि थ्री मसल से मिलकर तैयार होती है हमारी। एक्सटेंड योर हिप। जब आप अपने हिप को खोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं हिप एक्सटेंशन, तो वो भी आपकी हैमस्ट्रिंग मसल कराती है। तो हमारी हैमस्ट्रिंग मसल के टू फंक्शन है, टू फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन जो कि फ्लेक्शन कराती है, किसको, नी को। सेकेंड फंक्शन है हमारा हिप फ्लेक्शन कर, हिप एक्सटेंशन, नॉट फ्लेक्शन, हिप एक्सटेंशन। मतलब आप जब अपने हिप को ओपन करते हो, जब उसमें, जब हिप का जो मूवमेंट होता है पर्टिकुलर एक्सटेंड करता, मतलब खुलता है, तो उसको हम बोलते हैं हिप एक्सटेंशन। इसको कौन कराती है, हैमस्ट्रिंग मसल। तो इसके दो मेजर फंक्शन है जो आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। एज अ ग्रुप दे आर नोन एज हैमस्ट्रिंग। इसको हम ओवरऑल मिला के इसको हैमस्ट्रिंग मसल बोल देते हैं। अ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन की हम बात करते हैं। स्ट्रेन के बारे में मैंने आपको बताया, स्ट्रेन जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स के अंदर हमारे कुछ फाइबर्स होते हैं, वो खिंच जाते हैं। जब उसकी रेंज ऑफ मोशन से ज्यादा आप उस पर प्रेशर दे रहे हैं तो मसल्स क्रैम्प हो जाएगी, पुल हो जाएगी, खिंच जाएगी। वही हैमस्ट्रिंग जिसको स्ट्रेन बोलते हैं, वही हैमस्ट्रिंग पुल बोलते हैं। इस तरीके से उसको हम खेल के क्षेत्र में पुकारते हैं। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। समटाइम्स कॉल्ड पुल हैमस्ट्रिंग हैपन व्हेन वन और मोर ऑफ दीज मसल्स गेट्स स्ट्रेच टू फार एंड
स्टार्ट ऑफ टीयर। जब ज्यादा हो जाता है, मैंने आपको बताया था कि टीयर और ग्रेड एक ही होता है, कि फर्स्ट ग्रेड में अगर इंजरी हुई है आपको तो नॉर्मल है, रिकवरी जल्दी हो जाएगी। सेकंड ग्रेड में हुई है, सेकंड टीयर जिसको हम बोल सकते हैं, तो उससे ज्यादा है, थोड़ी डिफिकल्टी होगी। थर्ड में क्या होता है, जो हमारी मसल जो होती है, हमारा जो ज्वाइंट जो होता है मसल्स का, वो पूरा डैमेज हो जाता है, अलग हो जाता है। ऐसी कंडीशन जो होती है बड़ी टिपिकल होती है, बड़ी खतरनाक होती है, इसका सीधा ऑपरेशन होता है। तो ये हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन है। तो जब भी हम कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो हमें जानना होगा कि सबसे पहले हम वार्म अप करनी है प्रॉपर तरीके से, और पर्टिकुलर उस मसल की वार्म अप करनी है जिससे वो मसल्स उस एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व हो जाए। कोई भी जब हम एक्टिविटी करते हैं स्पोर्ट्स में, तो एक स्पेसिफिक एक्सरसाइज होती है, एक जो है जनरल होती है। जनरल में पूरा ओवरऑल हम बॉडी की बात करते हैं, स्पेसिफिक में जिस मसल्स की आप एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं तो उसकी आपको स्पेसिफिक एक्सरसाइज पता होना चाहिए, तब जाके वो मसल्स उसमें इन्वॉल्व होगी और फिर आपको कोई भी इंजरी नहीं होगी। तो समझते हैं, ये है हमारा थाई, और थाई की मैं बात करूं, ये हमारा बैक पोर्शन, ये हमारी जिसको हम बोलते हैं थाई बोन, ये आपको दिख रही होगी सबसे बड़ी और लॉन्गेस्ट बोन, इसको हम जानते हैं, क्वेश्चन भी पूछा जाता है लॉन्गेस्ट बोन। उसके बाद ये आपको दिख रहा होगा, ये ज्वाइंट है, यहाँ से हमारी हैमस्ट्रिंग जो मसल है उसकी कनेक्टिविटी है, इसको हम बोलते हैं इल्शियल ट्यूबरोसिटी, जो कि पेल्विक गिडल का पार्ट है। उसके बाद मैंने आपको बताया सेमी टेंडनस, सेमी मेम्ब्रेनस, और उसके बाद हमारी वाइसेप्स फेमोरिस। तो आप देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों मसल से मिलकर तैयार होती है हमारी हैमस्ट्रिंग मसल्स, जो कि आपके नी को फ्लेक्शन करवाती है। उसके बाद ये हमारी मसल है, ये हमारी शिन बोन जिसको हम टिबिया बोलते हैं, और ये हमारी फिबुला जिसको, जिसके टिबिया के जस्ट बगल में एक पतली सी बोन होती है, जो कि कंपेयर करें हम थाई बोन से और टिबिया से, उससे थोड़ी सी पतली होती है। यहाँ पर जो आके हैमस्ट्रिंग मसल के जो ग्रुप हैं, एक है हमारा बाइसेप्स फेमोरिस, और एक है हमारा सेमी टेंडनस और सेमी मेम्ब्रेनस, ये जाकर यहाँ पर मिल जाते हैं, अटैच हो जाते हैं, इंसर्जन हो जाते हैं। ये हमारा इसका ओरिजिन एंड इंसर्जन है, हैमस्ट्रिंग मसल स्ट्रेन का फंक्शन है। किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम में, तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। मैंने हिंदी में भी यहाँ पर मेंशन कर रखा है, तो आप इसको हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। अब हम बात करते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिसेप्स इंजरी, कि मेरी क्वाड्रिसेप्स जो है खिंच गई है, स्ट्रेन हो गई है। तो जानते हैं क्वाड्रिसेप्स क्या होता है। क्वाड्रिसेप्स की मैं बात करूं तो क्वाड मतलब होता है फोर, क्वाड मतलब होता है फोर, और क्वाड्रिसेप्स एक पूरा ग्रुप है मसल्स का, जो कि फ्रंट थाई की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है क्वाड्रिसेप्स मसल्स कहाँ देखने को मिलती है, फ्रंट थाई पर, थाई के सामने वाली मांसपेशी क्वाड्रिसेप्स बोली जाती है, और क्वाड मींस चार होता है, क्वाड्रिसेप्स मतलब फोर मसल्स की यहाँ पर डिस्कस करने वाला है। अब क्वाड्रिसेप्स मसल्स स्ट्रेन इज अ एक्विटियर इंजरी ऑफ द क्वाड्रिसेप्स मसल्स। आपने देखा होगा जब आप विदाउट एक्टिविटी के ज्यादा प्रेशर देते हैं तो आपको यह इंजरी हो सकती है, जिसको आप बोलते हैं कि मेरी क्वाड्रिसेप्स मसल्स खींच गई। वही रीजन है विदाउट वार्म अप के आप उस मसल्स को इन्वॉल्व कर रहे हैं, विच यूजली ऑकर ड्यू टू एन एक्यूट स्ट्रेच ऑफ द मसल्स एंड फोर्सफुल कॉन्ट्रेक्शन एट द सेम टाइम ऑफ रिपीटेटिव फंक्शनल ओवरलोडिंग। जब आप ज्यादा मसल्स की आपने पर्टिकुलर वार्म अप नहीं की, उसको इन्वॉल्व नहीं किया और आपने लोड दे दिया, जैसे मैं बात करूँ आप स्क्वाड करते हैं, आपने वार्म अप नहीं की और आपने 10-10 केजी की प्लेट लगा ली और आप जो है 10 की रिपीटेशन लगा दी, तो वहां पर आपकी मसल्स जो है क्रैम्प होने के चांसेस रहेंगे, पुल होने के चांसेस रहेंगे, इंजरी होने के चांसेस रहेंगे। तो सबसे पहले हमें मसल्स की वार्म अप करनी है, उस मसल को उस एक्टिविटी के लिए इन्वॉल्व करना है। आगे बढ़ते हैं, द क्वाड्रिसेप्स मसल्स लोकेटेड इन द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द थाई, जो हमारा थाई होता है, थाई का जो फ्रंट वाला जो पार्ट होता है जो आपको दिखता है वो हमारा क्वाड्रिसेप्स मसल होता है। अब उस क्वाड्रिसेप्स मसल्स में हमारी कई सारी मांसपेशियां होती हैं। क्वाड्रिसेप्स की मैं बात करूं या थाई मसल्स की मैं बात करूं, वो बात एक ही है, थाई एक कॉमन वर्ड है, क्वाड्रिसेप्स पर्टिकुलर मसल्स का नाम है। तो क्वाड्रिसेप्स की मैं बात करूं या हिप या थाई मसल्स की मैं बात करूं, तो ये क्या करती है, हमारा हिप फ्लेक्शन के तौर पर काम करती है क्वाड्रिसेप्स मसल्स। जब आप अपने हिप को आप जो है खोलते हैं
तो ये हिप फ्लेक्शन के तौर पर काम करती है। एंड जब मैं बात करूं नी को, जब आप ओपन करते हैं, नी को जब आप ओपन करते हैं तो भी आपका क्वाड्रिसेप मसल्स या थाई की मांसपेशी उसमें इन्वॉल्व होती है। उस मूवमेंट को कराने के लिए आपकी थाई की मसल्स या क्वाड्रिसेप मसल्स इन्वॉल्व होती है। जैसे आप बैठे हुए एक चेयर पर और आपसे बोला जाए कि आप अपने को, अपने नी को ओपन करो, तो जब आप अपने नी को ओपन करते हैं, एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंशन करते हैं, तो वो आपका कौन करवाता है, क्वाड्रिसेप मसल करवाती है। और ये किस मसल से तैयार होती है, कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट ऑफ मसल्स। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टस फेमोरिस, वेस्टस लेटरलिस, वेस्टस मिडिलिस, वेस्टस इंटरमिडिलिस, ये फोर टाइप की मसल हैं। इन मसल को जब मैं ऐड कर देता हूँ तो मेरा बन जाता है क्वाड्रिसेप्स, और क्वाड्रिसेप्स को हम थाई बोलते हैं। थाई मसल आपकी करवाती है नी एक्सटेंशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नी एक्सटेंशन बहुत बार क्वेश्चन बनता है। अगर थाई नहीं होगी तो उसमें क्वाड्रिसेप्स होगी, क्वाड्रिसेप्स नहीं होगी तो पर्टिकुलर इनमें से एक मसल का नाम दे रखा होगा। क्वाड्रिसेप्स में कितनी मांसपेशियां होती हैं, फोर मसल्स होती हैं, उनसे एक ग्रुप तैयार होता है। इस तरीके से आपके एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।